बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, धन की स्थिति में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार जरूर होगा। स्वास्थ्य के मामलों का और दुर्घटनाओं के मामलों का इस साल आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि इस साल परिवार का सहयोग आपके साथ निरंतर बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? देखिए, पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह शाम रोज एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बार आप भविष्यवाणियों में देखते होंगे कि मैं कहता हूं निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, गुड़ का दान करें, पैसे का दान करें, अनाज का दान करें, निर्धन व्यक्ति नहीं मिलता तो दान किसको करें? किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्धन व्यक्ति को दान करना, उसकी सेवा सहायता करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसी धर्म स्थान में भी दान कर सकते हैं, या अगर कोई खाने की वस्तु है जैसे मैंने हरा फल खिलाने को कहा या लाल फल कहा या गुड़ कहा, तो यह आप गाय को भी खिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और भी लोग पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो कितने धन का दान करें? देखिए, जितनी आपकी शक्ति हो 11 रुपए 21 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, यथाशक्ति थोड़े से पैसे का दान करना जरूरी होता है। ये नहीं है कि आप सारा कुछ दान कर दें और बहुत सारा पैसा दान करेंगे तभी फायदा होगा। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप आसानी से दान कर सकें पैसा, उतना आसानी से निर्धन को दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिले तो क्या उपाय करेंगे? घर से जब निकल रहे हैं तो दाहिने हाथ में एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। हींग जानते हैं ना, एक चुटकी हींग ले लीजिएगा, अपने सर पर से एक बार घुमाइएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और सामने की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ इसको गिरा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा और सीधे निकल जाइएगा। जिस काम के लिए आप निकलेंगे, जिस काम के लिए आप प्रयास करने जाएंगे, उस काम में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सोने के पहले अपने पैरों को नॉर्मल वाटर से या ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए, इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर आप गीले पैर सोएंगे तो इससे धन की हानि होगी और इससे जीवन में दरिद्रता पैदा होगी। इसलिए जहां तक संभव हो पैर जरूर धोइए सोने के पहले, लेकिन अच्छी तरह से उसे पोंछ करके सुखा करके तब सोइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।